वहीं हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ख्यालिया ने चेतावनी दी है कि अगर डॉक्टरों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 25 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवाओं को बंद करने के लिए वो मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों या किसी को भी कोई नुकसान होगा तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। मांगे पूरी नहीं होने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कार्यालय को जिम्मेदार ठहराया। डॉक्टर्स की क्या मांगे हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने प्रदेशव्यापी हड़ताल की है, और हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश खैलिया के स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक जसवंत सिंह पूनिया से क्या चर्चा हुई है, इस बारे में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश खैलिया से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। डॉक्टर ने प्रदेशव्यापी आज हड़ताल की है, हड़ताल के पीछे क्या कारण है इस मेरे साथ हैं हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश खैलिया, इनसे जानते हैं कि आज डॉक्टरों ने प्रदेशव्यापी क्यों हड़ताल की है। जी, प्रदेशव्यापी जो हमारी हड़ताल आज हुई है इसके पीछे हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जो कि हम कई महीनों से और सालों से सरकार के संज्ञान में लेके आ रहे हैं। डॉक्टर्स की पूरे हरियाणा में इतनी शॉर्टेज है लेकिन सरकार इसके प्रति अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। ये जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज के चलते डॉक्टर्स भी परेशान हैं और मरीज भी परेशान होते हैं, इसके लिए हमारे काफ़ी सुझाव सरकार को टाइम टू टाइम दिए जाते हैं, लेकिन एक हेल्थ को जो इतना एक गंभीरता से लेना चाहिए उतना नहीं लिया जा रहा है। ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, ये हेल्थ जो है आम लोगों की, गरीब आदमियों की सेहत से जुड़ा मामला है, इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे कुछ इश्यूज़ जो थे सरकार से जो डिस्कस हुए हैं टाइम टू टाइम, वो है हमारे तो स्पेशलिस्ट की हमारे ज़्यादा शॉर्टेज है, तो स्पेशलिस्ट को कुछ अच्छा पैकेज या स्पेशलिस्ट को एक आर्डर बना के उसको सरकार स्पेशलिस्ट को हमारे सर्विसेज में रोके। दूसरा हमारा है कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती सरकार बंद करे। तीसरा है कि हमारे को जो अलाउंसेज हैं और एसीपीज हैं सेंटर की तर्ज पे दिए जाएं। चौथा हमारा है कि जो बॉन्ड राशि है जो एक पीजी करने जाता है डॉक्टर उसकी बॉन्ड राशि 1 करोड़ है उसको घटाकर 50 लाख किया जाए। इस इन्हीं मुद्दों को चलते 6 महीने पहले भी सरकार से हमारी सहमति बन गई थी, मंत्री जी ने एक रिटर्न में हमें आश्वासन दिया था और पूरे मिनट्स ऑफ द मीटिंग हुए थे, लेकिन 6 महीने के बाद भी आज स्थिति ज्यों का त्यों है। लेकिन इन सभी काफ़ी चीज़ों के लिए जिम्मेवार मैं डीजी ऑफिस को भी मानता हूँ कि जो हमारी 2 मुख्य मांगे थी इसमें डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को बंद करना, उसके लिए सर्विस रूल्स चेंज करने थे। दूसरा जो हमारा था कि जो अलाउंसेस सेंटर की तरह हमें देने थे वो 6 महीने से डीजी ऑफिस ने कोई फाइल नहीं चलाई, तो आज जो स्थिति पैदा हुई है वो उसके कारण डॉक्टर्स की खासकर डीजी ऑफिस के प्रति नाराज़गी है कि यहाँ से ना हमारी कोई प्रमोशन की फाइल टाइम पर चलती है, ना हमारा कोई प्रोबेशन क्लियर होता है, ना हमारे को कोई और जो हमारे एनओसीज मिलती है, ना हमारे कुछ और बेनिफिट्स टाइमली मिलते हैं। डॉक्टर्स को यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं, एक डॉक्टर जब यहाँ किसी बाबू से मिलता है तब जाके उसकी समस्या का समाधान होता है, अदरवाइज़ डॉक्टर्स ऐसे ही चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए सभी डॉक्टर्स का रोष सरकार के और डीजी ऑफिस के प्रति खासकर इसलिए है कि सारे डॉक्टर्स हमारी जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक जसवंत सिंह पूनिया से मिले हो, तो क्या बातचीत हुई आपकी? उन्होंने कहा कि सरकार और हम सब इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन इस चीज़ों को हम कई महीने और सालों से देख रहे हैं और हमें सिर्फ कोरे आश्वासन नहीं मिलते हैं। इस बार हम ये कह रहे हैं सरकार इस स्वास्थ्य को गंभीरता से ले, डॉक्टर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको गंभीरता से ले, नहीं तो हम मजबूर होकर हमें 25 तारीख को सारे सर्विसेज ओपीडी पोस्टमार्टम सब बंद करने को मजबूर होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आपने कहा है कि आपकी मांगे काफ़ी देर से लंबित थी, अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ, अब आज हड़ताल पर हो, अगर आज भी सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम सरकार को 1 जुलाई को पहले ही बता चुके हैं, 1 जुलाई को हम सरकार को पहले ही अपनी तरफ से हमारी सारा हम लेटर लिख चुके हैं, सीएम साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है, सीएम ऑफिस में भी हमने मीटिंग करके इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रखी है। लेकिन ये हमने 25 तारीख का जो हमारा टोटल शटडाउन का प्लान है ये हम सरकार को आज से 15 दिन पहले बता चुके हैं। सरकार इसको अभी कितनी गंभीरता से लेती है वो अभी देखना है, अदरवाइज़ किसी को कोई पेशेंट को या किसी और को कोई नुकसान होगा उसके लिए पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज भी प्रभावित होते हैं, तो इसके लिए आपने कोई व्यवस्था की है कि जो इमरजेंसी में मरीज हैं उनको कोई दिक्कत ना हो? देखो, हम तो हर रोज़ ही मरीज़ के लिए ही डॉक्टर 24 घंटे एक ड्यूटी करता है। कोरोना में हमारे कितने साथियों ने अपनी जान तक दी है मरीजों की सेवा करते हुए, लेकिन जब सरकार एक डॉक्टर की प्रति इतनी असंवेदनशील रहेगी तो वो डॉक्टर इस माहौल में कैसे काम कर पाएगा? डॉक्टर्स के ऊपर इतना ओवर बर्डन है, डॉक्टर्स इतने प्रेशर में हैं, तो सरकार को इसका हल ज़रूर निकालना चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा मेडिकल सिविल सर्विस
एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ख्यालिया, इन्होंने बताया कि डॉक्टरों की क्या मांगे हैं जिसकी वजह से वो हड़ताल पर हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी हड़ताल ना मांगी गई तो 25 तारीख को वो फिर हड़ताल पर चले जाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।